जैन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फटाफट ऑनलाइन आ जाएं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे अपन। जल्दी इसको शेयर करते रहें साथ में। जो ऑनलाइन बच्चे आए हुए हैं, पुष्पेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग, मीठालाल गुड मॉर्निंग, हेलो सर, इस लिंक को जल्दी शेयर करें जो भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, और जल्दी ऑनलाइन आएँ, फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। मीठालाल राम राम, जल्दी मीठालाल इसको शेयर करें और फिर स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक इलेक्ट्रिकल सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जो आज अपना थर्ड वीडियो है ये। दो मिनट वेट कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन आ जाएं, फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। पुष्पेंद्र सिंह और मीठालाल जल्दी जल्दी इसको शेयर करते रहें साथ साथ, और भी बच्चे कनेक्ट हो जाएं जिससे। अशोक कुमार नमस्ते, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और साथ में लाइक करें, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जितने आपके ऑनलाइन बच्चे आ रहे हैं उतना लाइक नहीं आ रहा, क्योंकि यार एक कंडक्टिविटी बनती रहती है, आपके प्रेजेंस का पता चलता रहता है लाइक से। हाँ मीठालाल, जानता हूँ मैं, आप मेरे स्टूडेंट हो यार। संतोष गुड मॉर्निंग, महेंद्र गुड मॉर्निंग, चलो करें फिर स्टार्ट। जितने भी है बच्चे धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। अपन ने क्या पढ़ा था वो मैं बता देता हूँ। कल अपन ने कहाँ तक पढ़ा था, कल मैंने बताया था आपको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने बताया था फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में। किसके बारे में? फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में। अब फॉरबिडन एनर्जी गैप जो था, अपन डिसाइड कर रहे थे कि माना कि यहां पर क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है, और यहां पर मैंने कल बताया था आपको वैलेंस बैंड होता है। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी आपकी? इजी कहलाएगी। कल अपन ने डेफिनेशन भी लिखी थी, इसी को क्या कहते हैं? इजी फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल हिंदी में बोलते हैं। ओके, अब अपन देख रहे थे कि ये सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे अपन, कि सेमीकंडक्टर में इजी की वैल्यू क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जीरो केल्विन पे कुछ डाटा, एक डाटा आपको याद रखना, उसके बाद में किसी भी टेम्परेचर पर आपकी वैल्यू पूछे इजी की, तो क्या करना है, एक फॉर्मूला लिखवाया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप किसी भी टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर के लिए इजी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब देखें कि वो फॉर्मूला कौन सा था और किस पे याद रखना है अपने को। तो जीरो केल्विन पे अगर अपने को क्या याद रखना है, इजी की वैल्यू, फॉरबिडन एनर्जी गैप अपने को याद रखना है। ओके, अब क्या करें कि जीरो केल्विन के लिए इजी की वैल्यू देखें। तो अपने पास जो सेमीकंडक्टर अपन यूज करते हैं वो ज्यादातर कौन कौन से यूज करते हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन यूज करते हैं, है ना। तो जर्मेन सिलिकॉन के लिए जीरो केल्विन पर ईजी की वैल्यू होती है, वो होती है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट डाटा याद रखना है आपको। और क्या जर्मेनियम की जीरो केल्विन पर फॉरबिडन एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद ये तो देखो जीरो केल्विन पे पूछ रहा है अपने पास, या फिर ऐसा दे सकता है कि आपको यूं बताएं -273 सेल्सियस पर। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की वैल्यू क्या रहती है? फॉरबिडन एनर्जी गैप ये रहता है। ओके, अब अपन बात करें कि यार अपने पास टेम्परेचर इंक्रीज करके भी तो दे सकता है, जरूरी थोड़ा ना जीरो केल्विन पे पूछे, कितने पे पूछ सकता है? 300 केल्विन पे पूछ सकता है ना। तो अब अगर अपन क्या करें कि टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं उस टाइम अपनी ईजी की वैल्यू क्या होगी, ये अपने क्या करना है? फाइंड करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, पहले मैं सिलिकॉन के लिए लिख देता हूं। सिलिकॉन के लिए फॉर्मूला क्या था? तो सिलिकॉन के लिए याद रखना है ईजी टी टेम्परेचर इक्वल 1.21 माइनस 3.60 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू टी, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें आप क्या करें कि अगर अपने को क्या करना है, टी की वैल्यू देगा कि 300 केल्विन पे
सिलिकॉन का ईजी की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे टी की वैल्यू यहां पर 300 पुट कर दोगे, तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ईजी की वैल्यू आ जाएगी। तो 300 पर ईजी की वैल्यू मैंने ये कल फाइंड करवाई थी, और कितनी आई थी 300 के लिए 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी। ओके, अगर अपन इसी प्रकार देखें कि अपने पास जर्मेनियम 0 केल्विन के लिए तो अपने को पता है, पर जर्मेनियम का अगर टेम्परेचर अपन इंक्रीज कर दें उस टाइम ईजी की वैल्यू फॉरविन एनर्जी गैप क्या होगा, उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। एजी टी इक्वल, देखो 0 केल्विन पे कितना होता है 0.785 - 2.2 × 10⁻⁴ t, ये फॉर्मूला है। अब अपने पास टी की वैल्यू वो देगा जर्मेनियम के लिए देगा कि टी की वैल्यू अगर 300 केल्विन है, 600 केल्विन है, कोई भी वैल्यू दे दे, किसी भी वैल्यू पर अपने क्या पूछे फॉरविडन एनर्जी गैप की वैल्यू पूछे, तो यहां पर अपन डायरेक्ट डाटा पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। तो 300 केल्विन के लिए फॉरविडन एनर्जी गैप की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कल मैंने इसको बताया था, और कितनी निकल के आई थी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप या तो डायरेक्ट याद रखें या फिर फॉर्मूले में याद रखें, जो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो। फॉर्मूला याद करने का रीजन यही है कि अगर आपके पास जरूरी नहीं है कि 300 केल्विन या 0 केल्विन पे पूछे, हो सकता है 600 केल्विन पे पूछ ले, 600 केल्विन पे पूछ ले, तो उस टाइम आपको डाटा कैसे याद रहेगा। तो एक बार क्या करें कि फॉर्मूला याद है सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए, तो अपन ईजी की वैल्यू फॉरविडन एनर्जी गैप की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक तो अपन ने कल देख लिया था, इसके बाद अपन आगे देखते हैं। नूतन सिंह राम राम, संजय कुमार जाटवा गुड मॉर्निंग, आगे चलें। अब अपन देखते हैं टेम्परेचर सेंसिटिविटी, कि जर्मेनियम की टेम्परेचर सेंसिटिविटी कितनी होती है और सिलिकॉन की टेम्परेचर सेंसिटिविटी कितनी होती है वो देखेंगे। तो आप भी हेडिंग डाल लें टेम्परेचर सेंसिटिविटी, और किसकी सेंसिटिविटी, सेमीकंडक्टर की, क्योंकि सेमीकंडक्टर अपन पढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और जो आपकी ईडीसी है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट सारी सेमीकंडक्टर पे बेस्ड होती है। तो अब देखें टेम्परेचर अर्धचालक की तापमान स्वेदनशीलता, हिंदी में क्या बोलते हैं अर्धचालक के तापमान स्वेदनशीलता। ओके, सेंसिटिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वेदनशीलता। यह तो अर्धचालक हो ही गया, टेम्परेचर तापमान हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है कि अपने जो यूज करते हैं सेमीकंडक्टर वो दो यूज करते हैं ज्यादातर, जर्मेनियम या सिलिकॉन। तो अपने को टेम्परेचर सेंसिटिविटी जो देखनी है वो किसकी देखनी है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की देखनी है। तो यहां पर डायरेक्ट डाटा है इसका, याद रखना आपको, तो मैं पहले लिख देता हूं यहां पर टेम्परेचर सेंसिटिविटी ऑफ सिलिकॉन कितनी होती है 3.60 × 10⁻⁴। डायरेक्ट याद रखना है कि टेम्परेचर सेंसिटिविटी सिलिकॉन की कितनी होती है 3.60 × 10⁻⁴। अगर अपन इसी प्रकार क्या देखें कि जर्मेनियम की टेम्परेचर सेंसिटिविटी देखें, तो जर्मेनियम की सेंसिटिविटी कितनी होती है 2.2 × 10⁻⁴। अब मेरे को यहाँ से एक बात बताएं कि बहुत अच्छा रिलेशन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि या तो आपके पास क्या करेगा सिलिकॉन की सेंसिटिविटी डायरेक्ट पूछ लेगा, या जर्मेनियम की सेंसिटिविटी डायरेक्ट पूछ लेगा, या फिर यूँ पूछेगा कि आपकी सिलिकॉन की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है जर्मेनियम की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, किसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर डाटा किसका ज़्यादा है,
सिलिकॉन का ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? देखो 10^-4 तो इसमें आ रहा है, 10^-4 इसमें भी है, यहाँ पर डाटा किसका बड़ा है? सिलिकॉन का। तो याद रखें कि सिलिकॉन की टेम्परेचर सेंसिटिविटी ज्यादा होती है किसकी तुलना में? जर्मेनियम की तुलना में। तो यहां पर लिख लें सिलिकॉन टेम्परेचर सेंसिटिविटी ग्रेटर देन जर्मेनियम टेम्परेचर वीटी से। ओके, तो ये अंत तक नोट करें, डायरेक्ट याद रखें, इस लाइन को काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया ये क्वेश्चन कि टेम्परेचर सेंसिटिविटी सिलिकॉन की ज़्यादा होती है या फिर आपकी जर्मेनियम की ज़्यादा होती है। तो यहाँ तक नोट करें, फिर आगे देखते हैं। चैत्रा मीणा, सिलिकॉन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ, सिलिकॉन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं वो भी बताएंगे, पर अपन क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि जर्मेनियम में और सिलिकॉन के कंपैरिजन तो पढ़ना पड़ेगा ना इन दोनों का। महेश गुड मॉर्निंग, राम राय गुड मॉर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहें जिससे और बच्चे भी इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। ADC का काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अब आगे चलें थोड़ा सा, तो यहाँ तक आपका हो गया होगा। तो देखें, यहाँ से एक चीज़ बताऊँ मेरे को, मैं यहाँ से एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इसका जवाब देना, फिर आगे देखेंगे। अगर सेमीकंडक्टर का तापमान बढ़ा दिया जाए तो कंडक्टिविटी, हिंदी में बोलते हैं कंडक्टिविटी को चालकता, और किसके द्वारा डिनोट कर रहे थे अपन? सिग्मा के द्वारा, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ना ये, सिग्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फटाफट इसका आंसर दें आप कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले कौन देता है इसका देखते हैं। राम राय मीणा गुड मॉर्निंग, सेमीकंडक्टर का तापमान बढ़ा दिया जाए तो कंडक्टिविटी चालकता क्या होगी? चैत्रा मीणा बढ़ेगी। इसके अलावा इतने सारे बच्चे जो ऑनलाइन हैं उनका क्या रेस्पॉन्स आ रहा है? रमेश, महेंद्र, संतोष, ये सारे बच्चे कहाँ चले गए जो आंसर नहीं बता रहे अभी? प्रकाश बढ़ेगा। ओके, तो अब देखते हैं क्या होता है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को। तो आप एक चीज़ याद रखें, देखें कैसे होगा इसका। तो डायरेक्ट क्या है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, तो देखें एक बार, आपका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कल मैंने बताया था कि आपकी जो EG की वैल्यू है, EG क्या होता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना। तो EG की वैल्यू क्या करेगी आपकी? घटेगी। EG की वैल्यू घटेगी तो आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? कंडक्शन बैंड के अंदर ज्यादा जाएंगे, और ज्यादा जाएंगे तो वहां से क्या होगा, जो आपकी कंडक्टिविटी सिग्मा है ये क्या करेगी आपकी? इंक्रीज करेगी। अब कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो चुकी है
तो आपकी रजिस्ट्रिविटी रो क्या करेगी, डिक्रीज होगी। और रजिस्ट्रिविटी डिक्रीज हो गई तो आपका रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा। ओके तो ये लाइन आप याद रखें, यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है कि सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा, घटेगा। या फिर ऐसा पूछ ले टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो कंडक्टिविटी क्या होगी, जैसे ये क्वेश्चन है, बढ़ेगी। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये रिलेशन आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ओके मैं ये टर्म्स लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या ये है। टी क्या होता है, टेम्परेचर। इजी क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। आर क्या है, रेजिस्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करें फिर आगे देखते हैं। राम राय मीना कैसे घटेगी यार, आशा गुड मॉर्निंग, फटाफट वीडियो को लाइक करते रहे। और जितने बच्चे ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं उतने आपके लाइव नहीं आ रहे, तो साथ साथ में लाइव करते रहें, क्योंकि इससे आपका प्रेजेंस का पता चलता है कि हाँ कितने बच्चे एकाग्र होकर वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया होगा, आगे चलें अपन। आगे अपना टॉपिक आता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर, कि जो अपना सिलिकॉन है वो कितने डिग्री पर ऑपरेट होगा और जर्मेनियम कितने डिग्री तक ऑपरेट होता है, वो चीज़ अपन देखते हैं। तो हेडिंग डालें ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ऑपरेटिंग टेम्परेचर देखें तो अपना जो सिलिकॉन का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर और जर्मेनियम का ऑपरेटिंग टेम्परेचर अपने को देखना है। तो सिलिकॉन का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो होता है माइनस 60 डिग्री सेल्सियस से टू 175 डिग्री सेल्सियस तक। कौन वर्क करता है आपका, सिलिकॉन वर्क करता है। और जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम क्या करेगा, माइनस 60 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस तक वर्क करेगा। इंपॉर्टेंट डाटा है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, आगे इसी चीज का अपन यूज करेंगे। तो फटाफट इसको भी नोट करते रहे, ऑफिस एनी हाय सर। तो फटाफट इसको नोट करें फिर आगे देखते हैं। अब अपन देखेंगे इसके बाद में क्रिस्टल लाइन स्ट्रक्चर्स। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आप थंब का साइन सेंड करें, जिससे मेरे को यह पता चल सके कि हाँ हर बच्चे को समझ में आ रहा है। फटाफट थंब का साइन सेंड करें, जिससे मेरे को यह पता चल जाए कि हाँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, फटाफट करें। चैत्रा मीना, जर्मेनियम 60 to 75, राइट।
फटाफट आप थम का साइन सेंड करें जिससे मेरे को यह पता चल सके कि हाँ आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है। नितिन सैनी सीकर से राम राम, राम राम। ओके पुष्पेंदर बिल्कुल समझ में आ रहा है। आशा ओके। इतने सारे बच्चे ऑनलाइन हैं, किसी का कमेंट नहीं आ रहा कि क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? आ रहा है तो आप थम का साइन सेंड करें। चलो आगे देखते हैं अपन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर की क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होती है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि सिलिकॉन जो है ये जो आवर्त सारणी में 14 नंबर पे आता है, इसकी आउटर क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। और जिसकी भी आउटर क्लास में आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेमीकंडक्टर है। ओके एक चीज़ को जोड़िए, आपका कार्बन के भी आउटर क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर वो एक अपवाद है, उसको छोड़ दें। उसके अलावा कार्बन के अलावा किसी भी तत्व में अगर आउटर क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो क्या होगा? आपका सेमीकंडक्टर होगा। किसको छोड़ के? कार्बन को छोड़ के। ओके तो आगे चलें। अब बात करें कि यार आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन निकालें कैसे। सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही होगी, सर आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन कैसे देखें? तो मैं आउटर क्लास में पहले इलेक्ट्रॉन बता देता हूँ किस प्रकार से निकालेंगे, उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर देखेंगे। तो देखें कि किस प्रकार से अपने क्या करना है कि आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं वो देख लें। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो आपको ये जानते हो कि 4 ब्लॉक होते हैं आपके SPDF, ये आपके 4 ब्लॉक होते हैं और 4 ही कक्षा होती है KLMN, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन ब्लॉक देख लेते हैं। ब्लॉक कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। तो यहाँ पर SPDF 4 ब्लॉक है और S में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो कितने भरे जाएंगे आपके? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और P में कितने भरे जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 8 मत कर देना क्योंकि कक्षाओं में 8 भरे जाते हैं, सेकंड कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पर ध्यान रखना सेकेंड ब्लॉक के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और यहाँ पर D में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और F ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। ओके आपको ये डाटा याद रखना है जिससे आप क्या पता कर सकते हो कि किसी भी तत्व के आउटर क्लास मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे पता करना है वो यहाँ से पता कर सकते हैं अपन। आपको एक बार ये टेबल याद रखना, और जनरल साइंस में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओके तो यहां से चले अगर अपन कि सिलिकॉन है कितने नंबर पे आ रहा है? 14 नंबर पे आ रहा है। अपने को करना क्या है कि इसकी आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो 4 आएगा ही, सेमीकंडक्टर तो 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, पर आएगा कैसे वो अपन देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर सीखना पड़ेगा। तो किस प्रकार सीखना पड़ेगा? डायरेक्ट याद रखना, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आपको कुछ नहीं करना, एक को एक बार लिखना है, फिर 2 आ रहा है तो 2 को कितनी बार रिपीट करोगे? 2 बार। और 3 को 3 बार। इसी प्रकार 4 को कितने टाइम्स लिखेंगे? 4 बार। और 5 को कितनी बार लिखेंगे? 5 को। 5 को ही 4 बार लिखेंगे, 4 से ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास ब्लॉक जो है वो ओनली फॉर 4 ही है। तो 4 को 4 बार, 5 को भी कितनी बार लिखेंगे? 5 बार नहीं लिखेंगे, 4 बार ही लिखेंगे। 6 को भी 4 बार लिखेंगे। ओके जितना अपना यूज होगा उस प्रकार से अपन लिखते रहेंगे। तो ये तो अपने पास लिखना आ गया होगा कि यहां पर 1 पहले क्या लिखना है? 1। 2 को 2 बार, 3 को 3 बार लिखना है। ओके अब अपने को क्या करना है कि जो 1 आ रहा है यहां पर ये नोट कर लें कि ये देखो फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ है ना। इसी प्रकार देखो फर्स्ट में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। तो यहां पर आप क्या नोट करोगे? एस हो गया। ये पहली क्लास कंप्लीट हो गई, ये आपका क्या हो गया? के क्लास हो गई। इसी प्रकार ये दो दो वाली जो क्लास है
ये एल क्लास होगी, ये तीन तीन वाली क्लास है, ये एम क्लास होगी। ओके, अब बात करें आगे, एन क्लास भी होती है, पर अपने पास मटेरियल जो ये सेमीकंडक्टर है ये 14 नंबर पे आता है, तो यहां तक ही कंप्लीट हो जाएगा ये। ओके, अब बात करें अपन कि यहां से टू जो स्टार्ट हो रहा है, देखो नया सीरियल नंबर स्टार्ट हो रहा है, वन तो कंप्लीट होगी क्लास, अब टू सीरियल स्टार्ट हो रहा है, तो टू को वापस क्या लिखोगे यहां पर आप, एस। अब एस आ गया तो यहां पर क्या आएगा, पी। ओके, इसी प्रकार यहां पर क्या आएगा, देखो नया सिक्वेंस स्टार्ट हो रहा है थ्री का, तो यहां पर एस पी डी, सिक्वेंस वाइज लिखना है एस पी डी, हो गया। आगे अगर अपन फोर फोर लिखते तो क्या जाता, एस पी डी एफ, जो क्लास हो जाती एन क्लास हो जाती। ओके, अब अपने को क्या करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और इलेक्ट्रॉन भरने मैंने आपको यहां पर बताया है कि एस में आपके अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में 6 भरे जाएंगे, और डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो अब अपन इलेक्ट्रॉन देखते हैं कैसे भरना है, तो यहां पर देखें कि एस है, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आपके 2, तो यहां पर डाला 2, वापिस आई यहां पर एस में कितने हैं 2, पी में कितने हैं 6, वापिस एस में कितने हैं 2, हो गया यहां तक। अब यार अपन देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं कि 14 पूरे कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, तो यहां से देखो 2 और 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12, बाकी कितने रह गए 2, तो पी में आने कितने चाहिए 6 आने चाहिए, पर यहां पर अपने पास अभी इलेक्ट्रॉन बचे हुए कितने हैं, क्योंकि 14 पूरे करने हैं ना, 2 और 2 कितने हो गए 4 और 6 10, 10 और 2 12, 2 बचे हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बाकी का ये ब्लॉक भी तो खाली रह रहा है, तो आगे वाला ब्लॉक कोई काम का है क्या, नहीं है, तो अपन क्या करेंगे आगे वाले को मिटा दिया। ओके, तो अब अपने पास देखो कि ये के क्लास है, एल क्लास है, और ये कौन सी क्लास है आपकी, एम क्लास है, तो आपकी आउटर क्लास कौन सी है, बाहरी कक्षा कौन सी है, ये वाली बाहरी कक्षा है, और बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, तो आउटर क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, जर्मेनियम में देखते हैं कि क्या आउटर क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। ओके, तो यहां तक आप नोट करें, उसके बाद अपन क्या करेंगे जर्मेनियम का देखते हैं, जो आपको भर के देखना है। सैनिश्वास सर, आपका शिष्य सीकर से, हाँ जान गया सैनी, जितेंद्र बैरवा, जितेंद्र बैरवा आपके कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे, सैनी सुभाष सैनी, जान गया हूँ मैं आपको, आप कहाँ से सीकर से हो अच्छी तरह से, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, साथ साथ में जो और बच्चे भी इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ EDC का। अब अपन आगे देखते हैं कि यार सिलिकॉन का तो अपन आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन देख लिए, अभी अपन क्या करेंगे जर्मेनियम में आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो उसमें देखें कि आपको ये भर के देखें इसमें कि क्या जर्मेनियम जो है वो आवर्त सारणी में 32 नंबर पे आता है, आप भर के देखें कि आउटर क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नहीं आ रहे, फटाफट कमेंट करें साथ में, मैं वेट कर रहा हूं। फटाफट कमेंट करें कि जर्मेनियम जो है वो आवर्त सारणी में 32 नंबर पे आता है, क्या जर्मेनियम के भी आउटर क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आप भर पा रहे हो कि नहीं भर पा रहे, फटाफट कमेंट करें। ओके ओपी सैनी, इसके अलावा इतने सारे बच्चे जो ऑनलाइन हैं वो क्या कर रहे हो, फटाफट कमेंट करो, क्या भर पा रहे हो, क्या आपका जर्मेनियम के भी आउटर क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। फटाफट कमेंट करें और साथ साथ में इस वीडियो को भी शेयर करते रहें। चलो आगे देखते हैं अपन किस प्रकार से भरेंगे इसको।
देखो जर्मेनियम कितने नंबर पे आता है, 32 नंबर पे आता है ना। देखो प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट भरना सीख जाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगती है चीजें क्योंकि टेक्निकल चीज है तो ये प्रैक्टिस से आती है आपको। कैसे भरेंगे इसमें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 कितने हो गए, 2 2 4 6 10 12 18 28 4s2 4p2। तो आउटर क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सारे चेक करें कि आपका भी इतना ही निकल के आ रहा है क्या, आउटर क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या। इसी प्रकार अगर अपन देखें कि कार्बन के बारे में, कार्बन जो पीरियोडिक टेबल में है वो कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। तो कार्बन के बारे में भी अपन चेक करें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। तो आउटर क्लास में देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। पर ये याद रखें कि ये अपवाद है, सेमीकंडक्टर नहीं है। क्या है ये, तो इंसुलेटर, कोचालक। ओके, यहां तक नोट करें फिर आगे देखते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ऑफिस है नी जी, हाँ बिल्कुल राइट, 2, 8, 18 और 4 चैतन्य मीणा, यस सर आ रहा है, सुभाष सैनी, ओके, कुलदीप प्रजापत, नमस्ते कुलदीप प्रजापत, बहुत लेट आप ऑनलाइन हुए हो। क्लास का टाइमिंग रहता है अपने 10 बजे का, तो राइट 10 बजे आप ऑनलाइन आ जाओ और साथ साथ में वीडियो को शेयर कर दो जिससे और बच्चे भी जुड़ जाए अपने साथ। 4s 4p, चेतन मीना समझ में नहीं आ रहा ये 4s 4p, अच्छा 4s2 4p2, ओके, क्योंकि जो पावर दिखाई नहीं दे रही थी 4s2 लिखा है क्या आपने, ओनली 4 दिखाई दे रहा था, 4s और 4p यहां पर लिखा हुआ है, 4s2 और 4p2। ओके चले आगे, आगे अपन देखते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो बेसिक था जो आपको बताना था कि सेमीकंडक्टर के जो आउटर क्लास में है वो कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बिकॉज एक चीज को छोड़ के, किसको, कार्बन को छोड़ के, कार्बन क्या चीज है, एक आउटर क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी क्या है ये एक अपवाद है। और क्या कैसा व्यवहार करता है ये, इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। ओके, अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ सेमीकंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी अपन ने देखा कि सिलिकॉन जो है उसके आउटर क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। तो अभी अपन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहां पर मैंने लिखा सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन, सिलिकॉन के आउटर क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड बनाने के लिए या बंद बनाने के लिए जो आउटर क्लास में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही काम करेंगे, वो ही क्या करेंगे, बंद बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ओके, तो आउटर क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन इसके, 4। तो यहां पर मैं प्रेजेंट कर रहा हूं 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसी पर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेमीकंडक्टर आपको दिख जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। आप भी स्ट्रक्चर को साथ साथ में बनाते रहें क्योंकि बिल्कुल बेसिक चल रहा है अभी। अब अपन देखें कि यार जो ये आपका ये इलेक्ट्रॉन है ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इस वाले के साथ में क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड बना लेगा, ये क्या करेगा इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा,
ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बनाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या कर लेते हैं, इनमें बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब ये बॉन्डिंग कर दी अपन ने, अब अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, ये किसके साथ बॉन्ड करेंगे? आगे ऊपर एक सिलिकॉन का अणु और भी होगा, है ना, तो ये उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ये इधर कोई सिलिकॉन का अणु होगा उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ये इधर कोई अणु होगा उसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये यहां पर कोई अणु होगा उसके साथ बॉन्ड कर लेगा। तो ये सारे क्या होते हैं, अपने बॉन्ड बना लेते हैं ये लोग। तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो आपका क्या हो, फ्री हो, जिसने बॉन्ड नहीं बना रखा हो। कोई दिखाई दे रहा होगा आपको कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर हो जिसने बॉन्ड नहीं बनाया हो? तो ये जो बॉन्ड बनते हैं, इन बॉन्ड जो आपस में इलेक्ट्रॉन, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इस बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। हिंदी में बोलें तो सह संयोजी बंध। तो याद रखें कि सेमीकंडक्टर में कौन सा बंध पाया जाता है? सह संयोजी बंध पाया जाता है, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब अपन क्या करें कि इसको अगर टेम्परेचर जीरो दे दें, तो इसी टाइम देखें, पहले याद रखें कि जो अपन टेम्परेचर लिया हुआ है वो जीरो केल्विन लिया हुआ है। जीरो केल्विन पर अपन क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, किसकी? सेमीकंडक्टर की। और सेमीकंडक्टर में किसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देख रहे हैं? सिलिकॉन की देख रहे हैं, ओके। तो यहां पर जीरो केल्विन पर ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये सारे किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन है? ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बॉन्ड बना रखा है, तो ये क्या है आपका? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ओके। अब अपन क्या करें कि जीरो केल्विन पर कोई भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या इस टाइम कोई करंट फ्लो होगी सेमीकंडक्टर में? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अपने पास करंट फ्लो होने के लिए, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। अगर अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो अपने पास क्या नहीं होगा? करंट फ्लो नहीं होगी, है ना। तो अभी अपने पास कोई भी ऐसा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्ड नहीं बना रखा, ऐसा है ही नहीं। सारों ने क्या कर रखा है? बॉन्ड बना रखा है। तो सारे किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के बताए थे आपको, एक तो बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। करंट जो फ्लो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होती है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो नहीं होती, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में पाया जाता है। ये याद रखें, यहां से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां पर मिलेगा आपको? बैलेंस बैंड में। ये मैंने कब बताया था आपको? जब फॉरवर्डन एनर्जी गैप बताया था, उस टाइम मैंने बताया था कि जो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर मिलेगा आपको? बैलेंस बैंड के अंदर मिलेगा। और इसे ही क्या बोलते हैं? लोअर एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो याद रखें कि इसी को क्या कहेंगे? लोअर एनर्जी लेवल। ओके, अब अपन क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर जीरो केल्विन है, तो अपने पास कोई भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैं यहां पर नोट कर देता हूं हिंदी में, जीरो केल्विन पर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कारण जीरो केल्विन पर सिलिकॉन इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा। ओके, देखो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो आपके क्या करेगी? कंडक्शन नहीं हो पाएगा। कंडक्शन नहीं हो पाएगा मतलब करंट फ्लो नहीं करेगी।
फ्लो नहीं करेगी तो किस प्रकार से बिहेव करेगा? जीरो केल्विन पे आपका सिलिकॉन इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा, कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। इसको लिख लें, कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। फटाफट इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थंब का साइन सेंड करें जिससे मेरे को यह पता चल सके कि हाँ आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है। फटाफट आप थंब का साइन सेंड करें और साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो वीडियो है, या अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई टॉपिक आपका छूट जाता है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, तो ये वीडियो आपको जैन अकेडमी पोर्टल पे जाके प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर एडीसी फोल्डर है, वहाँ पर ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो जस्ट लाइव क्लास खत्म होने के बाद में। पुष्पेंद्र सैनी, सैनी सुभाष सैनी, वेल यार, ऐसे फटाफट कमेंट आए तो यार मेरे को ऐसे थोड़ा सा जनून जाग जाता है कि हाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो यार थोड़ा सा कमेंट जल्दी किया कर दिया करो जिससे पता चलता रहे हाँ बच्चों को बहुत इजीली समझ में आ रहा है। उदयलाल, वेल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही यहाँ तक? आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद में आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा। तो आपको क्या करना है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दोबारा से बनाना है। मैं तो देखो इसी पे वर्क कर दूंगा, पर आपको इसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को दोबारा से रीड करना, ये इसके डाटा इसके नीचे पुट करके वापस से ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है। और उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो आपका ये जो सेमीकंडक्टर है चालक कैसे बन जाता है। ओके, कुलदीप प्रजापत, वेल, ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करते रहें जिससे और बच्चे भी इस वीडियो का लाभ ले पाएं। चलें आगे। आगे अपन देखते हैं कि यार अभी तो अपन टेम्परेचर जीरो केल्विन पे देखा है, अब अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो आपको ये दोबारा से ड्रॉ करना है ये डायग्राम, और नीचे हेडिंग डालनी है आपको कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, टेम्परेचर को, तापमान को बढ़ा दिया जाए। तो हेडिंग डाल देना आप, तापमान को बढ़ा दिया जाए। तो क्या होगा इसके साथ, ठीक है ना? अभी अपन बात कर रहे थे कि ये आपका कौन सा बॉन्ड है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये किसमें पाया जाएगा, वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड को क्या कहते हैं, लोअर एनर्जी लेवल कहते हैं। और जो ये बैंड, ये जो बंद है आपका, इसको क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर में, कोवेलेंट बंद, है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं कि तापमान को बढ़ा रहे हैं, टी टेम्परेचर की वैल्यू क्या कर रहे हैं अपन, इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही अपन टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ये जो आपके फोरविडन, ये जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आपका टूटने लग जाएगा, सहसंयोजी बंद है, ये क्या होने लग जाएगा, आपका ब्रेक होने लग जाएगा। और जैसे ही ये ब्रेक होगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये ब्रेक होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अब ये क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि बंद क्या कर गया, टूट गया, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो गया। और ये फ्री हो गया तो ये कहां पर चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो इसका मतलब उसमें क्या हो गई, करंट फ्लो होने लग गई कंडक्शन बैंड में। तो यहां पर ये कंडक्शन बैंड और इलेक्ट्रॉन कहां चला गया आपका, कंडक्शन बैंड में चला गया। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया तो यहां पर क्या रह गया आपका, होल। यहां पर क्या हो गया आपका, होल। और होल पे जो चार्ज होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। अब माना अपन ने ये एक बैंड को अपन ने ब्रेक किया है, अब क्या करना है अपना, हो सकता है कि दूसरा बैंड भी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये भी क्या हो गया आपका, ब्रेक हो गया, ये बैंड भी क्या हो गया आपका, ब्रेक हो गया।
ये बैंड ब्रेक हो गया, तो अब अपन एक चीज मान के चले कि यार इस इलेक्ट्रॉन के पास में, इस इलेक्ट्रॉन के पास में इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में चला जाए। क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन के पास में इतनी एनर्जी नहीं है कि ये कंडक्शन बैंड में चला जाए, तो इस जो ये इलेक्ट्रॉन है फिर कहां पर जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस होल में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? इस होल में चला जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये बॉन्ड बंद को छोड़ ही नहीं पा रहा। क्या नहीं कर रहा? बंद को छोड़ ही नहीं पा रहा। ये देखो, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था क्योंकि बॉन्ड बना रखा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है? यहां से तो बंद से निकला, इस बंद से तो टूट के निकला, निकल के क्या कर गया? आगे वाले बंद के साथ में जुड़ गया। कहां पर नहीं गया? कंडक्शन बैंड में नहीं गया। तो यह कहलाता है आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब अगर अपन बात करें कि इस इलेक्ट्रॉन की, तो इस इलेक्ट्रॉन के अंदर माना कि इतनी एनर्जी है कि यह डायरेक्ट कहां चला गया? आपका कंडक्शन बैंड में चला गया। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अब अपन इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। तो देखें कि तापमान बढ़ाने पर क्या हो रहा है? सहसंयोजी बंध क्या कर रहे हैं? टूट रहे हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, तापमान बढ़ाने पर सहसंयोजी या कोवेलेंट बंद टूट जाता है और कुछ इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना, कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अभी सारे इलेक्ट्रॉन नहीं गए, कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन, फिर देखो ये सारे ब्रेक बैंड तो क्या करेंगे? सारे ब्रेक होंगे, क्योंकि मैंने यहां पर ओनली फॉर आपको दो बंद ब्रेक करके दिखाए हैं। इसी प्रकार जब टेम्परेचर दोगे तो ये सारे के सारे बंद क्या करेंगे? आपके ब्रेक होंगे, टूटेंगे, और उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो हो पाएंगे जो आपका कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे। अब जो बाकी बच गए इलेक्ट्रॉन वो कौन से हैं? वो फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। वो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो डायरेक्ट आपका कंडक्शन बैंड में पहुंच सके। ओके, यहां तक नोट करें, फिर आगे अपन देखते हैं। इस डायग्राम को भी साथ साथ में बनाते रहें, अलग से बनाएं, ये पहले वाले के साथ में छेड़छाड़ ना करें। कुलदीप प्रजापत, नो प्रॉब्लम सर। ओके, फटाफट इसको ड्रॉ करें, फिर आगे चलते हैं। अलग से डायग्राम बनाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बाद में आप इसके नोट्स बनाते रहें। हो गया होगा, आगे चले। अब अपने पास देखते हैं कि इसी में कि कुछ इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो क्या करे? कंडक्शन बैंड में जा पाए। ये जैसे मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दिखाया था आपको, ये बैंड ब्रेक हुआ था, यहां पर होल हुआ था, यहां पर ये कहां चला गया था? इलेक्ट्रॉन यहां चला गया था। इसको अपन ने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा था ना। अब देखो कि ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये क्या नहीं हो पा रहा? इसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि ये कंडक्शन बैंड में चला जाए। ये क्या करता है? इसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में घूमता रहता है। इसी को क्या कहते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, तो ये नोट कर लें आप। कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वह कंडक्शन बैंड में
जा सके और यह इलेक्ट्रॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर में घूमते रहते हैं, इसे ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्योंकि यार याद रखना, डायरेक्ट आप याद रखना, जो बॉन्ड को नहीं छोड़ सकता वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। जो बॉन्ड को नहीं छोड़ सकता वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। और ये क्या आपका जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड को छोड़ रहा है क्या? नहीं, यहां से बॉन्ड से फ्री हुआ, आगे वाले बॉन्ड के साथ जुड़ गया। ओके, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो फटाफट नोट करें, अब अपन देखते हैं कि वैसे मैंने ये चीज़ें आपको बता रखी थी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करता है, मतलब कहाँ पर मिलता है, और आपका फ्री इलेक्ट्रॉन अपने को कहाँ पर मिलेगा। तो मैं ये भी चीज़ें नोट कर देता हूँ, यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। इसी टॉपिक में लिखना है आपको, एरो डाल के, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हायर एनर्जी लेवल में होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से 100% आपका पूछा जाता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे, या तो आपको कंडक्शन बैंड देगा या हायर एनर्जी लेवल देगा। तो क्या करना आपको, ऑप्शन के हिसाब से चेक करना कि वहां पर कंडक्शन बैंड दिया हुआ है या फिर हायर एनर्जी, मतलब अधिकतम ऊर्जा, उच्च ऊर्जा दी गई है। ओके, नेक्स्ट बात करें अपन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी लेवल में होते हैं। ये जो आपका वीडियो है, ये जैन अकेडमी पोर्टल पे आप जैसे ही जाओगे तो प्लेलिस्ट ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर ये रिकॉर्डेड वीडियो आपका मिल जाएगा, वहाँ से आप एक बार दोबारा देख सकते हो इस वीडियो को। और ज़्यादा इस लिंक को शेयर करें। जो आगे का टॉपिक है वो अपन कल डिस्कस करेंगे। आगे का जो टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कितना प्रकार का है वो डिस्कस करेंगे। ओके, आप जैन अकेडमी के प्रति इसी प्रकार प्यार और स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद। और एक चीज़ और कि किसी भी बच्चे को अगर कोई टाइमिंग की प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। कोई टाइमिंग की प्रॉब्लम तो नहीं चल रही यहाँ पर? कुलदीप प्रजापत थैंक यू, शेयर तो कर दिया है। आप मेरे को ये बताएं कि ये जो टाइमिंग अपना क्लास टाइमिंग है तो इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है?
स्टूडेंट्स आपके कोई कमेंट नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम। सैनी सुभाष सैनी, सैनी सुभाष सैनी आप सीकर में अच्छी तरह से इसको शेयर करें जो सीकर के और बच्चे भी पढ़ पाएं। ऑफिस सैनी जी नो प्रॉब्लम। देखो आशा को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर इवनिंग में नहीं हो सकती क्या क्लास, इसके अलावा किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बच्चे को प्रॉब्लम है। चलो ओके, क्या टाइमिंग आप इवनिंग का बोल रहे हो या फिर मॉर्निंग का बोल रहे हो कुलदीप प्रजापत? ये जो आपने टाइमिंग लिखा है 9:30 to 10:30, तो ये जो टाइमिंग आपने मॉर्निंग का लिखा है या फिर इवनिंग का लिखा है, इसके आगे एएम पीएम डालो तो ये पता चल जाए। मॉर्निंग ओके, चलो ठीक है फ्रेंड्स, कल मिलेंगे इसी टाइम 10 बजे। ओके सारे लाइव आना।